सभी दर्शकों का पंजाब केसरी .com में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार है। सर्वप्रथम आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2080 के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 10:15 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज शतभिषा नक्षत्र है और तैतिल करण है। आज शुक्ल योग है। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन रात कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा की बात करें तो आज दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं। इन दिशाओं की यात्राओं से लाभ रहेगा। पंचांग के बाद पहले बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की। घर में मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में होना शुभ होता है। घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं तो आपका चेहरा हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। यदि मंदिर में पत्थर या धातु की मूर्ति है तो उसे 9 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि चित्र या फोटो है तो उसका माप बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। कौन सी राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा और कौन सी राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज चंद्रमा का गोचर बिजनेस की दृष्टि से लाभदायक है, लेकिन राहु का नक्षत्र होने से भाग्य में कुछ कमी का अनुभव होगा। जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं उन्हें कुछ लाभ के सौदे प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि आज लगता है जैसे आप ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में नुकसान में रह सकते हैं। परेशानियों से बचने के लिए शुक्र का लॉकेट गले में धारण करें। मिथुन राशि वाले लोगों की राशि से भाग्य स्थान पर चंद्रमा है, लेकिन आज राहु का नक्षत्र है, जिससे विशेष लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि दोपहर बाद अवश्य किसी व्यापारिक सौदे में कुछ लाभ हो सकता है। कर्क राशि वाले लोग शांत चित रहकर कार्य करते रहें। जो चल रहा है उसे ही ठीक समझे, क्योंकि आज का दिन व्यापार आदि में किसी नए जोखिम को लेने का दिन नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं वे भी सावधानी बरतें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का मीन राशि में होना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, फिर भी पहले जो परिश्रम किया है उसका आज अवश्य लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जिनसे भविष्य में बिजनेस बढ़ने से मदद मिलेगी। कन्या राशि वाले लोग ज्यादा सोच विचार नहीं करें और अच्छे समय का लाभ उठाएं। हालांकि आपकी राशि पर केतु चल रहा है और केतु का काम डिमोशन देना है, इसलिए इन दिनों कोई बड़ा जोखिम नहीं लें और रूटीन के सौदे करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छा दिन है, इसलिए जितना परिश्रम करेंगे उसकी तुलना में लाभ की संभावना बन सकेगी। पिछले दिनों के परिश्रम का आज लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में कोई नई बात सामने आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों का राशि स्वामी चंद्रमा के साथ है, जो दूर की यात्रा करवा सकता है। यदि दक्षिण या पश्चिम दिशा की यात्रा हो तो लाभ होने की ज्यादा संभावना रहेगी। वैसे किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आज पुराना रुका हुआ धन आ सकता है। यदि परिश्रम करें तो लाभ की संभावना में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए अनुबंध होंगे। सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ भी होगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए हालांकि राहु का नक्षत्र अधिक खराब नहीं होता है, वैसे भी गोचर का चंद्रमा शुभ स्थिति में होने से रुपयों पैसों की सहूलियत बनी रहेगी। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों का राशि स्वामी अभी कुंभ राशि में है, लेकिन चंद्रमा का साथ होने से तनाव बना रह सकता है। बेकार की यात्रा में समय और धन की बर्बादी होने की आशंका रहेगी। अनजान लोगों से संपर्क बढ़ाने से बचना चाहिए। मीन राशि वाले लोगों के लिए खर्च की तुलना में आमदनी नहीं होने से मानसिक तनाव रहेगा। दिन की शुरुआत किसी चिंताजनक खबर से हो सकती है। आज का दिन किसी प्रकार से राम राम करके निकाल दें। कल से अच्छा समय शुरू होना चाहिए। आज के राशिफल में बस इतना ही। अगर आपके मन में आज के राशिफल से जुड़े कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।